महीनों च उजड़िया महिला का सुहाग, तेज रफ्तार कार ने लई पति दी जान, सवेरे सैर करते समय कार ने मारी टक्कर। दस दे कि इस शख्स का 2 महीने पहला ही हले व्याह होया सी, ता इसी दौरान इसकी सड़क हादसे दे विच जान चली गई, जिस तों बाद परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। ता इस महिला का हले व्याह का चूड़ा भी नहीं उतरिया सी, ता पहला ही इसके पति की मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार 22 साला राहुल सवेरे सैर करन दे लई जा रहा सी, ता रस्ते दे विच इक तेज रफ्तार कार आउंदी है ते उसनू टक्कर मार के गंभीर जख्मी कर दिंदी है, जिस तों बाद उसनू हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, पर इलाज दे दौरान उसकी मौत हो गई, जिस तों बाद परिवार का रो रो के बुरा हाल है। ता 2 महीने पहला ही हले इसका विआह होया सी ते घर दे विच खुशियां दा माहौल सी, तां हुण गम दे विच तब्दील हो गया, जिथे 22 सालां राहुल दी मौत हो गई ते 2 महीने पहला ही इसका विआह होया सी। जिस तों बाद इस संबंधी सूचना पुलिस नूं दित्ती गई है, तां पुलिस हुण मौके ते पहुंच गई ते सीसीटीवी दे राही उस कार चालक दी भाल कर रही है कि किसने इस नूं टक्कर मारी सी। दस दे कि घटना पानीपत तों सामने आई है, जिथे राहुल नाम शख्स दा 2 महीने पहला विआह होया सी, तां खुशियां दा माहौल सी घर दे विच, पर एकदम गम दे विच उदों तब्दील हो गया जद इस शख्स दी मौत हो गई। सवेरे सैर करन दे लई जांदा है, पर इस नूं की पता सी कि इह वापस घर मुड़ के नहीं आउण लग्या, क्योंकि रस्ते दे विच इक तेज रफ्तार कार ने इस नूं टक्कर मार दित्ती ते इस दी जान लै लई। सर सुबह शहर के लिए लड़का गया था जी, करीब करीब 5 बजे वहाँ कोई कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया जी, मार के चला गया। कौन सी जगह पे हुआ था? शिवदीप टाउनशिप रोड पर, टाउनशिप रोड पर शिवदीप स्कूल है जी, उसके आसपास में जी। ये कैसे थे? मतलब बाइक पे थे कैसे थे? नहीं ये सर पैदल थे सर। आप एक एक बोलो। पैदल थे सर सुबह के टाइम में 5 बजे। क्या नाम था भाई का? कितनी राहुल नाम था सर, 22 साल उम्र थी। शादीशुदा थे जी सर? 2 महीने हुए शादी को। कुछ काम करते थे? रिफाइनरी में काम करते थे जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ददनाड़ा जी। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ था? उसके बाद फिर पुलिस वगैरह आई थी? नहीं, उसके बाद हम इनको यहीं सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे जी, लेकिन यहाँ से भी 2 जगह रेफर कर दिए थे। कल भी कुलमा चावला हॉस्पिटल में थे करनाल में जी, तो रात में वहाँ से रेफर कर दिए थे रोहतक, लेकिन रोहतक एक्सपायर हो गई। तो कुछ पता लगा वो कार किसकी थी क्या? नहीं जी। तो ये एक्सीडेंट कब हुआ था, किस दिन हुआ था? 6 तारीख को सोमवार को हुआ था सर। अच्छा, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई जी सर। चोटें कहाँ कहाँ लगी हुई थी? चोट सर छाती में थी और पैर में थी, टांग में थी। तेज रफ्तार से चला रहा था गाड़ी को? हाँ जी। क्या नाम आपका? नीरज है सर। 6 तारीख को सुबह 5:30 बजे घर से घूमने के लिए निकला था टाउनशिप रोड पे, तो वहाँ पर एक शिवदीप पब्लिक स्कूल है, उसके पास में ना ये 2 जने थे और ये कच्चे में जा रहे थे, तो रिफाइनरी की तरफ से एक गाड़ी वाला आया तेज़ रफ्तार से और उसको साइड मार गया, ये गिर गया। तो उसके साथ लड़का था, उसने घर पे फ़ोन किया, उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं। अभी हॉस्पिटल में इसका टांग वगैरह पर चोट आई थी, टूटी हुई थी, कुछ फांसों में चोट थी, इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अभी 1.5 महीने पहले इसकी शादी हुई थी और रिफाइनरी में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब कॉन्ट्रैक्टर के पास। एक गरीब परिवार से है, बहुत ही गरीब परिवार से। और कौन है इनके परिवार में? इसके परिवार में एक इसका भाई है, माता पिता है, एक और छोटा भाई है। हाँ, छोटा भाई से। अच्छा, ये काम रिफाइनरी में करते हैं? हाँ, रिफाइनरी में ये कॉन्ट्रैक्टर बेस पे प्राइवेट जॉब करते हैं। पुलिस सहयोग कर रही है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संतुष्ट है, पुलिस सहयोग दे रही है, पूरा सहयोग दे रही है। सही, आप क्या कार्रवाई की इसमें मांग कर रहे हैं? बस जिसने ये हादसा किया सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम तो ये चाहते हैं बस। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। आप क्या लगते हैं मृतक के? मैं इसका चाचा लगता हूँ।